नमस्कार, साध्य न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रेशु त्यागी। रिश्तों की मर्यादा उल्लंघित होती जा रही है। रिश्तों की मान मर्यादा को हो रहा है पूरी तरह से उल्लंघन। दरक गई है रिश्तों की बुनियाद। आज रिश्तों के मायने बदल से गए हैं। वो पिता जिसकी उंगली पकड़कर बिटिया रानी ने जिंदगी का पहला कदम बढ़ाया था, उसी पिता की बुरी नजर आज उस पर पड़ रही है। अपनी ही बिटिया की असमत पर वो नजर गड़ाए बैठे हैं। वो भाई जिसने बहन की हर तरह से रक्षा करने का वचन दिया था, वही उसकी इज्जत का सौदागर बन गया। जी हाँ, आज की हकीकत यही है। बाप भाई रिश्तों को तार तार कर रहे हैं। शैतान बन सगे बाप सगे भाई अपनी बेटी बहन से हवस की भूख मिटा रहे हैं। क्या पारिवारिक मूल्यों का अस्तित्व खत्म हो गया है? कल तक बेटी बहन को मर्यादा में रखने की सीख दी जाती थी, लेकिन आज बाप भाई ही मर्यादा लांग रहे हैं। क्यों रिश्तों पर कलयुग की काली छाया का ग्रहण लग गया है? क्यों रिश्ते अजीब से हो गए हैं? इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, रिश्तों पर कलयुग की छाया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैवानियत का एक ऐसा घिनौना मामला सामने आया जिसने बाप बेटी और भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया। जी हाँ, आप सुनकर शर्म से गड़ जाएंगे कि एक कलयुगी पिता और भाई ने करीब 9 साल तक अपने घर की इज्जत को तार तार किया। रिश्तों पर भारी पड़ी हवस, पिता और भाई ने लांघी मर्यादा, 9 साल तक किया घर की इज्जत से खिलवाड़। बाप बेटी भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर लगाया दाग। जी हाँ, चौंकना लाजमी है, लेकिन ये कलयुगी रिश्तों की दास्तान है जहाँ हवस के भूखे बाप बेटे रिश्तों की मर्यादा लांग रहे हैं और पारिवारिक रिश्तों को ही दागदार कर रहे हैं। बात करते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहाँ एक बाप बेटे की घिनौनी करतूत से हर कोई शर्मसार है। यहाँ एक बाप बेटे ने न सिर्फ दरिंदगी, वहशीपन और हैवानियत की हद पार कर दी, बल्कि खून के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। बाप बेटी भाई बहन के पवित्र रिश्ते को रौंदने की ये घटना तब सामने आई जब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में एक युवती फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने पिता और भाई पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो दोनों पिछले 9 साल से बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। युवती की जुबान से उसकी दुख भरी दास्तान जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया। पीड़िता ने बताया कि उसने अपनी माँ को भी पिता और भाई की काली करतूत के बारे में कई बार बताया, लेकिन माँ ने भी बदनामी का हवाला देते हुए उसकी जुबान सिल दी और चुपचाप इस काले खेल में पिता और भाई का सहयोग करती रही। आपको बता दें कि रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये घटना कृष्णानगर थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि रेलवे की लोको फैक्ट्री में काम करने वाला 52 साल का सदन सिंह लखनऊ के एक मोहल्ले में लोको फैक्ट्री में काम करता है। यह हैवान पिता अपनी पत्नी, 2 बेटों और 1 बेटी के साथ रहता है। पीड़िता के मुताबिक 2004 की एक रात को उसके पिता की हवस इस कदर बढ़ गई कि उसने अपनी बेटी के साथ ही सोना शुरू कर दिया। बेटी ने माँ से इसकी शिकायत की। माँ ने परिवार और समाज में बदनामी होने की बात कहकर बेटी को इस हवस की आग में पूरी तरह धकेल दिया। घर में माँ और दोनों बेटे इस घिनौनी हरकत को देखते रहे, लेकिन आपको सुनकर अचंभा होगा कि बाप तो बेटी की इज्जत से खिलवाड़ कर ही रहा था, जिस भाई की कलाई पर राखी बांधकर सदा रक्षा का वचन लिया था, उसने भी बहन की इज्जत को नहीं बख्शा। जी हाँ, बाद में बड़ा भाई भी बाप के साथ शामिल हो गया, लेकिन छोटे भाई से बहन की ये तकलीफ सही नहीं जा रही थी और एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने पिता और बड़े भाई की घिनौनी करतूत का विरोध किया, लेकिन उसे डरा धमका कर खामोश कर दिया गया। जब वो ज्यादा हंगामा करता तो बाप बेटा मिलकर उसकी पिटाई कर डालते। पीड़ित के मुताबिक उसे धमकी दी जाती कि अगर इस बारे में उसने किसी को कुछ भी बताया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। उसका ये भी कहना है कि पिछले 9 साल के दौरान वो कई बार गर्भवती हुई और उसका जबरन गर्भपात भी कराया गया। लड़की को न दोस्त बनाने की इजाजत थी, न ही घर की चौखट से कदम बाहर निकालने की। सालों से रेप कर रहे बाप और भाई को जब यकीन हो गया कि लड़की अब रेप की आदी हो चुकी है और वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, तो उन्होंने उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करने की इजाजत दे दी।
लेकिन इतने दिनों से जुल्म को सह रही लड़की घर से निकली और पहुंच गई सीधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जनता दरबार में। यहां उसने डीएम और एसएसपी से मुलाकात की और अपनी दर्दनाक दास्तां सुना डाली और इसके बाद फौरन कार्रवाई करते हुए बाप और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और माँ को भी हिरासत में ले लिया गया। एक लड़की प्रार्थना पत्र लेकर जनता दरबार में पहुंची थी, उसमें उसने अपने पिता और भाई पे आरोप लगाया था कि लगभग 9 साल से पिता और भाई उसका शारीरिक शोषण कर रहे हैं, जिसमें उसकी माँ का भी सहयोग है। उसे डरा धमका के घर में ही रखते थे और लगभग 10-15 दिन से उसे कोई ब्यूटिशियन का कोर्स सीखने के लिए वो जाना शुरू की है, तो वहीं पर उसको किसी से आपस में सहेलियों से पता चला कि हम लोग ऐसी शिकायत जनता दरबार में कर सकते हैं। उस पर वो एप्लीकेशन लेके आई थी, तो वहीं से वो एप्लीकेशन सर ने हमें सुपुर्द किया और तुरंत कार्रवाई करते हुए उसमें उसके पिता सगन सिंह को, भाई राहुल सिंह को और माँ मनोरमा सिंह को 120B में मनोरमा सिंह को अरेस्ट किया गया। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस गिरफ्त से पूछताछ के दौरान पिता ने अपना जुर्म कबूला। जो बताएगी बेटी वो तेज बोलिए, इधर देखिए। क्या 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 इधर देखिए, सही है करते सही थे क्या है? क्या सही है, क्या करते थे? कुछ कर रहे थे आपको कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्यों कहा? लेकिन जो कह रहे सही है, किसके कहने पे करते थे? किसी कहने पे नहीं करते थे, अपने घर से। तो जिस दिन छुट्टी रहती थी फिर काम करते हैं, तो अकेली रहती थी तो करते थे अकेले कमरे में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। हाल के कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में रिश्तों को कलंकित करने वाले कई ऐसे मामले सामने आए हैं। कहीं पिता तो कहीं भाई रिश्तों की मर्यादा लांघ रहे हैं और अपनी बेटी बहन की आबरू लूट रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं की असमत पर आए दिन वार होता रहा है। वे घर से बाहर निकलने से तो डरती ही थी, घर की दहलीज के भीतर भी हैवानों की शक्ल में पिता और भाई उनकी असमत को रौंद रिश्तों को तार तार कर रहे हैं, तो कहीं चंद रुपयों के खातिर लाडलियों का सौदा किया जा रहा है। 8 अगस्त 2013 उत्तर प्रदेश में माँ बाप ने सिर्फ 70,000 रुपयों के खातिर अपनी फूल सी बेटी का सौदा कर डाला और बेटी को जिस्म के दलालों को बेच डाला। दलाल युवती को बाहर ले जाते इससे पहले ही पुलिस को भनक लग गई। पुलिस के मुस्तैदी से पीछा करने पर खरीदार युवती को छोड़कर भाग निकले। बताया गया कि लड़की के बदले 70,000 रुपए देने वाले उसे लेकर मथुरा जाने वाले थे, जहां उससे जिस्म फरोशी कराने की तैयारी थी। 5 मई 2013 उत्तर प्रदेश से सटे गाजियाबाद जिले में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने बाप और बेटी के पवित्र रिश्तों को दागदार कर दिया था। यहाँ के मसूरी इलाके में एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना डाला। 31 जुलाई 2013 उत्तर प्रदेश की राजधानी के निगोहा इलाके में रिश्ते को कलंकित कराने वाली एक घटना सामने आई। यहाँ के रहने वाले एक मजदूर ने शराब के नशे में अपनी बेटी के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर आरोपी ने बेटी और पत्नी को मारा पीटा। 22 जून 2013 उत्तर प्रदेश के ठाकुर द्वारा में बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करते हुए एक पिता अपनी बेटी के साथ 1 साल तक लगातार बलात्कार करता रहा। युवती का आरोप है कि उसके पिता ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बना लिया, विरोध करती थी तो वो उसे धमकी देकर शांत कर देता था। 29 मई 2013 यूपी के फैजाबाद में एक कलयुगी पिता 11वीं में पढ़ने वाली अपनी ही बेटी से 3 सालों से बलात्कार कर रहा था। बेटी अपने एक साथी के साथ किसी तरह भागकर दिल्ली पहुंची। लड़की ने बताया कि जब उसके पिता ने उसके साथ गलत हरकतें शुरू की तो उसने माँ को बताया, लेकिन माँ ने भी इस पर चुप्पी साध ली थी। 19 जुलाई 2013 उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक नाबालिग भाई ने अपनी 6 साल की चचेरी बहन की असमत पर हाथ डाला था। बहरहाल रिश्तों को तार तार करने वालों की फेरिस्त काफी लंबी है। कहना गलत नहीं होगा कि आज हवस पारिवारिक रिश्तों पर इस कदर भारी पड़ रही है कि बाप और भाई ही बेटी बहन की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। वे रिश्ते जो घर की इज्जत के संरक्षक कहे जाते थे, आज वही उनके भक्षक बन रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, साधना न्यूज।
जी हाँ, उत्तर प्रदेश ही नहीं, रिश्तों को कलंकित करने के मामले में देश का कोई कोना पीछे नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह देश के कई हिस्सों में बहन बेटी की आबरू को तार तार किया गया। ऐसा लगता है जैसे आधुनिकता के पीछे दौड़ते दौड़ते इंसान के लिए रिश्तों की मर्यादा धूमिल होती जा रही है, या यूं कहें कि रिश्ते अब बेमानी हो गए हैं। 9 मई 2013 भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाली एक घटना ग्वालियर के लधेड़ी के डांगरबाड़ा में सामने आई, जहां 45 साल का युवक अपनी 32 साल की सगी बहन से तब से दुष्कर्म कर रहा था जब वो महज 11 साल की थी। 16 जुलाई 2013 मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र में अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप करने के आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि आरोपी शराब के नशे में अपने घर आया और पत्नी से बेटी के बारे में पूछताछ की। पत्नी ने बताया कि वो खेत पर गई हुई है। इसके बाद आरोपी ने खेत पर पहुंचकर बेटी के साथ बलात्कार किया। 17 जुलाई 2013 राजस्थान के भरतपुर के बयाना में एक पिता अपनी 5 बेटियों से बलात्कार करता रहा। आरोपी कृषि विभाग के मार्केटिंग जोन से रिटायर था। आरोपी का एक बेटा और 5 बेटियां हैं। तकरीबन 20 साल से आरोपी अपनी 5 लड़कियों को हवस का शिकार बनाता रहा। जब इस शख्स की बड़ी लड़की 8वीं क्लास में पढ़ती थी, तभी से पिता ने उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया था। इस तरह आरोपी एक के बाद एक अपनी सभी बेटियों के साथ बलात्कार करता रहा। विरोध करने पर यह हैवान अपनी बेटियों की जमकर पिटाई करता था। 29 मई 2013 को झारखंड में भाई बहन का रिश्ता हुआ था कलंकित। गुमला इलाके के एक भाई ने अपनी ही बहन के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। नौकरी का झांसा लेकर भाई अपनी चचेरी बहन को झारखंड के गुमला से दिल्ली लेकर आया, लेकिन वहां उसे नौकरी दिलाने की बजाय अपने दोस्त के साथ मिलकर उसका रेप किया। देश के हर कोने में इस तरह की घिनौनी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पवित्र रिश्तों पर दाग लग रहा है। बहरहाल सवाल उठना लाजमी है कि क्या हवस के आगे इंसान रिश्तों की गरिमा और मर्यादा भी भूल जाता है। कल तक जहां अपनी बहु बेटी की इज्जत की खातिर पिता और भाई लड़मरते थे, वही आज उनकी आबरू को तार तार कर रहे हैं, ये कैसी मानसिकता है। स्पेशल रिपोर्ट, साधना न्यूज। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये ही उठता है कि आखिर लड़कियां जाएं तो कहां जाएं? घर के बाहर वो सुरक्षित नहीं, लेकिन घर के बाहर अंदर अगर लड़कियां रहती हैं तो अब वहां भी वो महफूज नहीं है। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कितनी